नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगदल। देखते हैं आज की सुर्खियां। राज्य का सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर भी अटकलें जोरों पर। सीएम चेहरे के बिना चुनावी सफर में उतरेगी कांग्रेस। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, बोले कांग्रेस ना सदन चलने देती है ना चर्चा होने देती है। सावन के पहले सोमवार पर महाकाल मंदिर में भगदड़ मचने से कई जख्मी, कोरोना नियम भी टूटे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से सड़कों पर जलभराव, जगह जगह लगा लंबा ट्रैफिक जाम। आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट में 6 पुलिस वाले शहीद, केंद्र सरकार ने किया हस्तक्षेप। बच्चों की वैक्सीन अगस्त तक आने की संभावना, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। राहुल गांधी के संसद तक ट्रैक्टर रैली के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होने पर विपक्षी सांसदों पर बरसे स्पीकर, बोले नारेबाजी का कंपटीशन मत करो। BSP के ब्राह्मण सम्मेलन में उमड़ रही भीड़ से विरोधी दलों की उड़ी नींद, मायावती। संसद मॉनसून सत्र लाइव अपडेट्स, पेगासस मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। निजी हेल्थ सेंटर कर रहे शोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं के कुप्रबंधन पर SC में याचिका, केंद्र राज्यों को नोटिस। नीतीश कुमार ने विधायकों की नाराजगी के बाद अपने भाषण में मंत्रियों को सलाह भी दिया कि विधायकों के अनुरोध का ख्याल रखा जाना चाहिए और काम ना हो तो उन्हें बुलाकर स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए। पॉर्न फिल्म स्कैंडल, राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने CRPF के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं, कहा निस्वार्थ सेवा के लिए देश आपका आभारी। भारत में पिछले 24 घंटे में 132 दिन बाद सबसे कम 29,689 नए COVID-19 केस। तमिलनाडु की पूर्व CM जयललिता की मौत की जांच को लेकर DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 10 दिनों से नहीं बदले हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सारा अली खान के नमस्ते स्टाइल का कार्तिक आर्यन और इब्राहिम अली खान ने उड़ाया मजाक। सोनू सूद ने खोला पंजाबी ढाबा, बोले पिछली बार सस्ता था अब रोटियां महंगी है। धोनी के साथ फुटबॉल खेलते दिखे एक्टर रणवीर सिंह, बोले हमेशा बड़े भाई के चरणों में। सोने के दामों में बना हुआ है नरमी का रुख। KP एक्सप्रेस में अब इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।